पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस का कल का मैच एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट मेकर था कि क्रिकेट किसी फिल्म से कम नहीं, क्योंकि 14 पे 4 आउट होने के बाद जब पंजाब के सामने कोई चीज नहीं बचती तो सिर्फ दो लोग खड़े हो रहे हैं इस बार आईपीएल के अंदर, वो थे शशांक और आशुतोष। भाई शशांक और आशुतोष ने ऐसी गेम घुमाई के मतलब मजा ही आ गया। मैं स्टेडियम के अंदर मौजूद था और मैंने स्टेडियम में खड़े होकर ये मैच देखा। टू बी ऑनेस्ट, इससे रिलेटेड डिटेल्ड व्लॉग मेरा व्लॉगिंग चैनल पे आएगा, बीस्ट व्लॉग्स बाय आरजी पे। मैं तुम्हें बड़ा क्लियरली बता दूं, आई हैव हैड अ हेल ऑफ एन एक्सपीरियंस वॉचिंग देम प्ले लाइक दिस। दे प्लेड लाइक अ वॉरियर्स। एंड ऑनेस्टली अगर मैं तुम लोगों से बात करूं, इंडियन टीम के अंदर इस टाइम पे कोई कन्वेंशनल फिनिशर नहीं है, एक्चुअली नहीं है। और आप लोग इस बात पे अग्री करो या ना करो, इस टाइम पे इंडियन टीम को हम झूठे दिलासे जितने मर्जी दे लें कि ऋषभ पंत है, हम चाहे जितने मर्जी झूठे दिलासे दे लें कि हार्दिक पांड्या है, कंसिस्टेंट कोई भी नहीं है। ये एक स्पष्ट बात है, आपको भी माननी पड़ेगी। और मैं बड़ा क्लियरली बोल रहा हूँ ये चीज़ कि अगर इंडियन टीम के अंदर कोई फिनिशिंग स्पॉट एमएस धोनी के बाद होल्ड कर सकता है, तो ऐसा कोई एक नाम आपके दिमाग में, ऐसा फिक्स नाम आता हो तो बताना मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। आई होप मैं गलत साबित हो सकूं। इस टाइम पे अगर हम वर्ल्ड कप आए करके चल रहे हैं, T20 वर्ल्ड कप भी और फ्यूचर बड़ा वाला वर्ल्ड कप भी, 50 ओवर वर्ल्ड कप भी, जो मतलब मेरे को फील होता है ना, यहाँ पे दो प्लेयर ऐसे अनकैप्ड इंडियन प्लेयर्स जो कि इस आईपीएल के अंदर हर बार पंजाब को एक जबरदस्त फिनिश की तरफ लेके जाते हैं। अगर ऐसे प्लेयर्स को पंजाब, अगर मैं पंजाब के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, आशुतोष शर्मा और शशांक सिंह दोनों को ऑर्डर में, बैटिंग ऑर्डर में ऊपर प्रमोट करती है, क्योंकि इनका अपर ऑर्डर थोड़ा डाउन जा रहा है और दोनों कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहे हैं, तो इनको अगर आगे हम विकेट्स देते हैं या आगे हम होल्ड देते हैं, सपोजेडली कल के मैच में ही 4 आउट होने से पहले यानी कि 2 आउट होने पर ही जब कंसिस्टेंटली आउट हो गए थे, तो इन लोगों को थोड़ा ऊपर भेजते तो शायद बेटर परफॉर्म कर पाते ये दोनों। लेकिन कोई बात नहीं, नहीं भेजा। इससे हमें ये पता चला कि प्रेशर होल्ड करने की कैपेसिटी और किस तरीके से ये लोग परफॉर्म करते हैं। अभी मैंने आशुतोष के बारे में और शशांक के बारे में पहले भी बात करी है, एंड आई थिंक ये दो प्लेयर इंडियन टीम में होना डिजर्व इसलिए करते हैं कि आने वाले टाइम में जब इंडियन टीम वर्ल्ड क्लास बॉलर्स को भी फेस करेगी, एंड आई थिंक दे बोथ हैव फेस्ड बुमराह सुपर्बली, और इवन आशुतोष ने तो बुमराह को छक्के तक मारे हैं भाई कल वाले मैच में। और मेरे ख्याल से वर्ल्ड क्लास बॉलर की अगर हम बात करते हैं ना, हम जनरली सुनते हैं कमेंटेटर्स को बोलते हो, मैं इरफान पठान को सुन रहा था कि वर्ल्ड क्लास बॉलर्स को फेस करना, आईपीएल के अंदर बॉलर्स को फेस करना दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। बुमराह एक वर्ल्ड क्लास बॉलर है, ये तो आप भी जानते हो। बुमराह हमेशा की तरह अनलीश करते हैं अपने आप को, अगर उनको भी ये छक्के मार रहे हैं। हैदराबाद के अगेंस्ट इन्होंने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग करी, जहाँ पे पैट कमिंस वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन थे उनके अगेंस्ट इन्होंने ज़बरदस्त बैटिंग करी। उसके बाद मतलब दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट इन्होंने अच्छी बैटिंग करी। ओवरऑल मैं अभी तक बात करूं, पूरी पंजाब टीम एक साइड पर रख दो और ये दो प्लेयर्स का परफॉर्मेंस इस आईपीएल 2024 में एक तरफ रख दो। और ऑनेस्टली अगर आप देखोगे ना, शशांक वाज अ मिस हिट बाय पंजाब ऑक्शन टीम। उन्होंने गलती से पिक किया था शशांक को, लेकिन वो गलती बहुत फायदा देती हुई, एंड बहुत ही कमाल का खेल रहे हैं। और मैं तुम्हें बता देता हूँ, पंजाब टीम एटलीस्ट अगले 2 साल तक आशुतोष शर्मा को और शशांक सिंह को रिलीज नहीं करेगी, चाहे मेगा ऑक्शन आ जाए। बट मैं तुम्हें एक बड़ी क्लियर सी चीज बता देता हूँ, इन दोनों के केस में बहुत क्लियर चीज है कि ये लोग इस टाइम पे अपने आप को ग्रूम करें और बेटर करें, आईपीएल के अंदर और कंसिस्टेंट रहें। जीत हार एक अलग चीज़ है, मतलब जीत हार चलती रहेगी, वो एक अलग पैटर्न है, वो आपके हाथ में भी नहीं है, वो इनके हाथ में भी नहीं है, वो एक सेपरेट इशू है अगर हम ध्यान से बात करें तो। आशुतोष और शशांक के केस में मैं स्पेसिफिकली बोलूँगा कि हमें ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि ये लोग कितना कंसिस्टेंट है। अगर सिलेक्टर्स बोर्ड, अजीत अगरकर जो इस टाइम पे प्रेसिडेंट हैं बोर्ड के, अगर उनकी बात चले, जयेश शाह जो शायद खुद क्रिकेट नहीं खेल पाते लेकिन इस टाइम पे ही इज़ हेडिंग आई थिंक इंडियन क्रिकेट, तो उनकी अगर मैं बात करूं तो इन दो प्लेयर्स के ऊपर नज़र डाली जा सकती है T20 वर्ल्ड कप के लिए, अगर ये और कंसिस्टेंटली पंजाब के लिए परफॉर्म करें। पंजाब का हारना जीतना तब तक मैटर नहीं करता जब तक ऐसी फाइट वाली मैचेस देखने को मिल रही हैं। हैदराबाद से 2 रन से हारे, कल वाले मैच में बहुत मिनिमम मार्जिन था। आपको क्या लगता है, मतलब अगर पर्टिकुलरली बात करूं, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ये डिजर्व करते हैं एक बड़े लेवल पे चांस, या फिर इनके पंजाब की तरफ से भी थोड़ा ऊपर नीचे किया जा सकता है ऑर्डर में। लेकिन अगर मैं बात करूं आपके हिसाब से, डू यू थिंक आशुतोष और शशांक इंडियन टीम में एज अ फिनिशर
चाहे एक्स्ट्राज में ले जाओ, चाहे जैसे मर्जी ले जाओ, 15 में ले जाओ, लेकिन जाना बनता है। अगर आपको लगता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। विल सी यू इन अनदर वीडियो गाइस। जय हिंद।